वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि ये जो चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड सेकेंड पार्ट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है वो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि किस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि कैपेसिटर का मतलब होगा कि स्टोरेज ऑफ चार्ज। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सकती है उसे हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, तो अब उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि किस मटेरियल के पास क्या उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सबसे पहले हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो पहला ही पॉइंट इसमें दिया है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जैसा कि गॉस थ्योरम में भी हमने पढ़ा था, एक पॉइंट था कि किसी भी मेटल के अंदर जो चार्ज है वो जीरो होगा। इसका ये सेकंड पॉइंट भी होगा कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ मेटालिक कंडक्टर इज जीरो। क्यों होगा, तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब एक चीज तुमने देखा होगा कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इधर मैंने नेगेटिव चार्ज दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज आउट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। ठीक है, लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट कर रही हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब यहां से एक चीज देखने को मिल रही है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो इसके लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। इज इट क्लियर, कैसे जीरो होगा कि इसके अंदर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्यों, इस कंडक्टर के दोनों सरफेसेस अपोजिटली चार्ज होंगे, जो पॉजिटिव की तरफ रखा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो नेगेटिव की तरफ रखा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, किस वजह से ऐसा हुआ, एक चीज ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरफ एंटर करती है वहां से होता है नेगेटिव चार्ज और जहां से एमर्ज आउट करती है वहां होता है पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट है, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी जीरो। इज इट क्लियर, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो सेकेंड पॉइंट क्या था, चार्ज। चार्ज एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर विल बी जीरो। हमें प्रूव करना है क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम में क्या आता था हमारे पास, E डॉट ds इंटीग्रल इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आता था ना। अब कंडीशन क्या आएगी, हमें एक चीज यहां देखना है, क्या E डॉट ds, अगर सरफेस एरिया तो जीरो होगा नहीं, जीरो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो टर्म है पूरी जीरो हो जाएगी, मतलब q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, जीरो है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब एक चीज ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट तो जीरो नहीं होगा, क्या जीरो होगा यहां से, q इज इक्वल्स टू जीरो। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होता है और इनसाइड द कंडक्टर जो चार्ज होता है वो भी जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर के सेंटर पर अगर हम चार्ज रखेंगे तो कंडीशन क्या होगी कि वो चार्ज मूवमेंट करके उसकी सरफेस पे आ जाएगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। तो अब नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। मतलब अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज आउट हो रही हैं, तो कंडीशन क्या होगी, दीज ऑल द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस से कोई भी लाइन किसी एक एंगल पर एमर्ज आउट नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली एमर्ज आउट होती है, सरफेस से एमर्ज होने के बाद वो बेंड करती है, कभी भी किसी भी सरफेस से
90 डिग्री से अलग किसी भी एंगल पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज आउट नहीं होगी। इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है कि जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो सरफेस है उसकी टेंजेंट के अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। मींस यहां जो कंपोनेंट है हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट या टेंजेंट के अलावा जो कंपोनेंट है, यानी कि e cos थीटा को हम क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, देन वी कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो थीटा हमने किसी एक एंगल पर लिया था ना, ठीक है, ये 90 नहीं था, लेकिन हमारे पास जो एजम्पशन लेकर के जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से एमर्ज आउट होगी वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द कंडक्टर विल बी कॉन्स्टेंट, यानी कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो कैसे, एक चीज ध्यान दो, हमारे पास v dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू e आता है, dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू e अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट कंडीशन। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था हमारा फॉर्मूला होता था dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू e ले लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने लिख दिया dv is equals to e, यानी कि इससे पहले एक चीज ध्यान दो, dv upon dr is equals to zero, क्यों, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो होगा। तो वही तो हम प्रूव करने वाले हैं कि यानी कि हमारे पास अगर कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा ना वो कॉन्स्टेंट होगा, चाहे हम यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, हमने सबसे पहले से पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा, dv upon dr is equals to e and dv upon dr is equals to zero कर दिया, क्यों, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इज इट क्लियर। तो दैट इज dv इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस चीज से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एमर्जेस आउट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मतलब हमें प्रूफ करना है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक्चुअल में गॉस थ्योरम लेंगे। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी हैव E डॉट ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी से हमें पता है, हमारे पास इक्वेशन होती है E dot ds is equals to q upon epsilon naught, ठीक है। इतना इक्वेशन लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है q is equals to sigma ds हम लिख सकते हैं, क्यों, हमारे पास sigma is equals to value होती है q upon ds, ये लिख सकते हैं हम, sigma is equals to q upon ds। surface charge density is equals to charge per unit area या charge per unit surface area, then we will have, अगर हम इसके जो वैल्यू निकल करके आई है क्यू की, इसे हम यहां पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा दैट इज E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ds से ds कैंसिल हो गया, बचा कितना, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E is equals to क्या आ जाएगा, sigma upon epsilon naught हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट में आगे हम देखते हैं, तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, अगर हमारा जो कोई भी बॉडी है हमने उसको चार्ज दिया और उसको हमने वहां से हटा लिया
या इलेक्ट्रिक फील्ड से हटा के अलग रख दिया, तब उस कंडीशन में उस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म होगा, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन जब तक बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है तब तक उस पर जो इलेक्ट्रिक मतलब जो चार्ज डेंसिटी होगी वो डिफरेंट हो सकती है। कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा कोई एक मेटालिक ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो इस पॉइंट पर आता है नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हुई, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हुई। तो क्या दोनों पॉइंट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है? यस डिफरेंट है, ठीक है। और ये तब तक डिफरेंट रहती है जब तक कि जो रीअरेंजमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का या बॉडी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से अपने आप को बचाना, ठीक है। तो शील्ड का मतलब है कि किसी भी मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और अगर उसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए कहीं पर या इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रख दिया जाए तो वो खराब हो सकता है या उसकी रीडिंग डिफरेंट आ सकती है। सो टू प्रिवेंट दिस वी कैन अप्लाई द इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग प्रोसेस। कैसे करते हैं? अभी हमने पढ़ा कि मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। बस हमें यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है। हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया जो कि मेटालिक है, ठीक है। इसके अंदर इंसुलेटेड पैड बना करके हमने वो इंस्ट्रूमेंट को यहां रख दिया, ठीक है। हमने उसको फिक्स कर दिया, जो मैंने पैडेड किए हैं, ठीक है, जो मैंने ये लाइंस बनाई हैं, ये क्या इंसुलेटेड मटेरियल था, ठीक है। अब जब ये इसके अंदर रखा हुआ है, जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, तो कंडीशन क्या होगी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा जीरो, ठीक है। अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन बोली जाती है कि अगर लाइटनिंग है तो हमें अपनी कार के अंदर रहना चाहिए। क्यों? कार की बॉडी के थ्रू क्या होगा कि जो चार्ज है वो ग्राउंडेड हो जाएगा और हमारी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें जो लाइटनिंग होती है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमने छत के ऊपर एक एंटीना टाइप लगा रहता है जिसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं, जिससे कि कभी अगर चार्ज डिस्चार्जिंग कंडीशन आए, लाइटनिंग हो, तो उस एंटीना के थ्रू पूरा का पूरा चार्ज उस वायर के थ्रू जाकर के नीचे ग्राउंडेड हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा आई थिंक सेकेंड पार्ट जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज कैपेसिटेंस। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम किससे? सी से नोटेट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक क्वांटिटी है, मेजरमेंट है कि कितना चार्ज किसी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड होगा। जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में अगर हमें कैपेसिटर देखने को मिले तो मेनली हम कहाँ देखते हैं? दैट इज इन द फैन। फैन में एक व्हाइट कलर का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लगा होता है। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम बोलते हैं कि कंडेंसर दे दीजिएगा, तो वही जो कंडेंसर है उसी को कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो उसकी जो यूनिट है वो क्या है? फैरड, ठीक है। तो इसीलिए कैपेसिटी वर्ड से नाम पड़ा है कैपेसिटर, और कैपेसिटर से आया है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मींस द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज बाय अ कंडक्टर इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। इज इट क्लियर? अब एक चीज ध्यान दें कि किसी बॉडी पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, मतलब उस कंडक्टर पर जो पोटेंशियल है दैट विल डिपेंड ऑन द चार्ज। इज इट क्लियर? अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, दैट कांस्टेंट विल बी द कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। मान लिया हमारे पास फेरेड, जैसे कि हम ले रहे हैं 5 माइक्रो फेरेड, ठीक है। इतने माइक्रो फेरेड का हमारे पास कोई भी एक कैपेसिटर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कि चार्ज कितना भी दे दो,
लेकिन क्या ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा? नहीं। मान लिया हमारे पास एक वाटर टैंक 200 लीटर का है, क्या वो टैंक अगर उसको हम ज्यादा पानी दें तो उससे ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो वाटर है वो कभी 200 लीटर से ज्यादा नहीं होगा ना। सेम कंडीशन यहाँ है कि जो कैपेसिटी है वो कांस्टेंट होगी किसी भी एक कैपेसिटर के लिए, ठीक है, जब तक कि उसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल या उसका साइज चेंज नहीं किया जाता है तब तक। इज इट क्लियर? तो यहाँ कैपेसिटी को मैं वाटर टैंक से रिलेट करके चलूंगा, तो इतना देख लेना। अब देखते हैं हम कि Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, CV, देन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, मींस ये किसी एक कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगी, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक टैंक 200 लीटर का है, एक 500 लीटर का है, एक 1000 लीटर का है, तो तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है ना। एक की कैपेसिटी 200 लीटर, एक की कैपेसिटी 500 लीटर, एंड अदर वन हैविंग द कैपेसिटी 1000 लीटर। इज इट क्लियर? तो अगर किसी एक सिंगल पर्टिकुलर टैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी कांस्टेंट होगी, उसको अगर हम कितना भी वाटर दें तो जैसे ही उसकी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, जैसे उसके अंदर 200 लीटर वाटर आ जाएगा, उसके बाद जब हम उसको पानी देंगे तो उसके लिए यूजलेस है, मतलब उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, उससे ओवरफ्लो हो जाएगा। सेम कंडीशन कैपेसिटर के लिए, अगर इसे हम इसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज देते हैं तो क्या होगा कि ये उस चार्ज को स्टोर नहीं करता है, केवल उतना ही चार्ज स्टोर करेगा जितना इसकी कैपेसिटी। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है इसकी यूनिट हमने लिख ली, अब क्या हम इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। कैपेसिटर की डायमेंशन के लिए सबसे पहली चीज चार्ज की डायमेंशन 80, और पोटेंशियल की डायमेंशन फाइंड करने के लिए V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। तो सिंपल अगर एक तरीका मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, C इज इक्वल्स टू कितना होता है Q अपॉन V, और V इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, then it will be Q square upon W। इसका मतलब कितना हो जाएगा? Q square का मतलब, क्योंकि जो डायमेंशन होती है मैंने पहले ही बताया था, Q is equals to 80 होगा, ठीक है। Q is equals to IT, करंट इनटू टाइम के केस से लिया गया, क्योंकि I is equals to Q upon T है, तो Q is equals to IT हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हमने इसकी डायमेंशन निकाली है, क्या Q इज इक्वल्स टू 80, देन वी विल हैव Q स्क्वायर अपॉन W, मींस 80 का होल स्क्वायर अपॉन ML2 T माइनस 2, कितना हो जाएगा यहां से M माइनस 1 L माइनस 2, T की दो पावर ऊपर है और टू पावर नीचे से आ जाएंगी, M माइनस 1 L माइनस 2 T रेस टू 4 एंड A रेस टू 2, दैट विल बी द डायमेंशन फॉर द कैपेसिटर, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो जो इसकी कैपेसिटी है ना, तो वो चार्ज पर डिपेंड, जबकि देखो फॉर्मूला, फॉर्मूले में देखो क्यू अपॉन वी, तो देख करके लग रहा होगा कि जो इसकी कैपेसिटी है वो क्यू और वी पर डिपेंड करती है, नहीं, ठीक है, क्यू और वी पर इसकी कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है। कैपेसिटी डिपेंड करती है नेचर, नेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगी, कैपेसिटी डिपेंड करेगी शेप, साइज एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। या अगर हम बात करें कि कैपेसिटी किस किस पे मेनली डिपेंड करती है, तो एक जैसे कि टैंक के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो अगर किसी टैंक का साइज छोटा है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, किसी टैंक का साइज बड़ा है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी। सेम कंडीशन यहाँ है कि अगर कैपेसिटर का साइज छोटा है कैपेसिटी कम होगी, साइज बड़ा है कैपेसिटी ज्यादा होगी। सेकेंड वन, क्यू और वी पर कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल कॉपर से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, किससे बना है कैपेसिटर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करेगा शेप, साइज और किस मीडियम में वो रखा है, ठीक है। कंडक्टर एयर में रखा है, वाटर में रखा है, ठीक है, या किस अदर कंडक्टर मतलब किस अदर मटेरियल में वो रखा है उस पर डिपेंड करेगा। तो किस किस इस पर? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डायरेक्टली करंट फ्लो नहीं करता है, इंडक्शन से करंट फ्लो करता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में।
ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आता है हमारा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मान लिया हमारे पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर था जिसकी रेडियस कितनी थी, आर थी। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करना है कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी। तो मान लिया इसको हमने चार्ज कर दिया, इसके चारों तरफ हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज दिया। अब एक चीज ध्यान दो कि यहां से सेंटर से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, equation number 1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल। इस पॉइंट पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C is equals to that is Q upon V। अब हम V की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, then we will get C is equals to Q upon 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R। यहाँ पर भी हम small Q ही ले लेंगे क्योंकि total charge कितना था, Q था। Q से Q cancel हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। C is equals to 4 pi epsilon naught R। This will be the value of capacitance of a spherical conductor। ठीक है, इसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर भी बोल देंगे, लेकिन बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे। तो क्या हम इस तरीके से अर्थ की कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, मींस 6.4 इंटू 10^10 कितना 6 मीटर। अर्थ की जो रेडियस है वो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, सीधा सीधा अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। ठीक, तो अब जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या मैं इस पूरे की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, 1 अपॉन 9 इनटू 10^9 into 6.4, that is 6.4 into 10^6, ठीक है? तो इसकी वैल्यू निकल करके आती है 0.711 into 10^-3, ठीक है? अगर मैं इसको डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेकर के जाता हूँ, then I will get 711 into 10^-6, means 711 माइक्रो फैरड। तो जो हमारे पास अर्थ है उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 711 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी होती है हमारे अर्थ की। अगर अर्थ को हमें कैपेसिटर या कंडेंसर मानना है तो उसकी कैपेसिटेंस इतनी होगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हम कैपेसिटर बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक्स।